31 दिसंबर 2008 को नीचे दिए गए खातों से परीक्षा सूची तैयार कीजिए। कैपिटल अकाउंट 50,000, ड्रॉइंग 1,000, कैश अकाउंट 26,000, गुड्स अकाउंट क्रेडिट बैलेंस 16,000, बिल्डिंग 35,000, फर्नीचर 2,500, डेटर्स 30,000, क्रेडिटर्स 40,000, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 2,200, रेलवे फ्रेट अकाउंट 1,500, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 800, रेंट एंड टैक्सेस 1,200, सैलरी 5,800। दिए गए विवरण के आधार पर हमको ट्रायल बैलेंस बनाना है। सबसे पहले हम फॉर्मेट बना देंगे जिसमें फर्स्ट हम पर्टिकुलर लिखेंगे और उसके बाद डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट लिखेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट दिया गया है कैपिटल 50,000, क्योंकि ये लायबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए हम 50,000 लिख लेंगे क्रेडिट साइड में, कैपिटल 50,000 क्रेडिट। ड्रॉइंग दिया गया है, विड्रॉल क्या है, ड्रॉइंग अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है, चाहे हम कैश का करें या गुड्स का, तो ड्रॉइंग हम डेबिट साइड में लिखेंगे 1,000। कैश दिया गया है 26,000, कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है हमेशा, तो कैश हम लिखेंगे डेबिट साइड में 26,000। गुड्स दिया गया है और क्रेडिट बैलेंस दिया गया है क्योंकि गुड्स अकाउंट का, तो यहाँ पर हम गुड्स को क्रेडिट साइड में लिखेंगे 16,000। बिल्डिंग लिखेंगे हम क्योंकि बिल्डिंग एसेट्स है और एसेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, तो बिल्डिंग को हम लिखेंगे डेबिट में 35,000। फर्नीचर अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है, फर्नीचर क्योंकि एसेट्स है, एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए हम फर्नीचर को लिखेंगे 2,500 डेबिट में। डेटर्स दिया गया है 30,000 और डेटर्स क्योंकि एसेट्स है और एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, तो हम एसेट्स यानी कि डेटर्स को लिखेंगे 30,000 डेबिट में। क्रेडिटर्स लिखेंगे हम क्रेडिट साइड में क्योंकि क्रेडिटर एक प्रकार की लायबिलिटी है और लायबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो क्रेडिटर को हम लिखेंगे लायबिलिटी साइड में। डिस्काउंट डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन में क्योंकि स्पष्ट रूप से दे दिया गया है डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट साइड में हम लिखेंगे यहाँ पर 2,200। रेलवे फ्रेट दिया गया है क्योंकि एक प्रकार का एक्सपेंस है और एक्सपेंस को हमको डेबिट में लिखना है, तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे 1,500। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी दी गई है 800, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 800 हम लिखेंगे डेबिट साइड में क्योंकि एक प्रकार का ये एक्सपेंस है। रेंट एंड टैक्सेस दिए गए हैं 1,200 के, तो रेंट एंड टैक्सेस क्योंकि एक्सपेंस है इसलिए हम इसको डेबिट साइड में लिखेंगे 1,200। सैलरी दिया गया है 5,800, तो सैलरी को हम लिखेंगे डेबिट साइड में 5,800। और फिर हम इसका टोटल करेंगे तो हम देखते हैं कि डेबिट का टोटल आता है 1,06,000 और क्रेडिट का टोटल भी आता है 1,06,000। 30 जून 2008 को निम्नलिखित शेष के आधार पर तलपट तैयार कीजिए। कैपिटल 30,000, कैश 6,500, डिस्काउंट अकाउंट 120, फ्राइट 1,600, बिल्डिंग 20,000, परचेस 18,500, सेल 24,000, इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट 600, डेटर्स 6,500, फर्नीचर 1,100, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 160, ड्रॉइंग्स 280, रेंट 240, सैलरी 1,600, बिल्स रिसीवेबल 3,400, क्रेडिटर 5,400। इस क्वेश्चन में हमको शेष विधि से ट्रायल बैलेंस बनाना है, जिसके लिए हम थ्री कॉलम एक प्रारूप तैयार करेंगे, थ्री कॉलम का, जिसमें फर्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे विवरण और सेकंड कॉलम में डेबिट अमाउंट और थर्ड कॉलम में क्रेडिट अमाउंट। फर्स्ट पॉइंट दिया गया है कैपिटल, क्योंकि कैपिटल लायबिलिटी और लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे कैपिटल 30,000। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कैश, क्योंकि कैश एसेट्स है और एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे 6,500। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है डिस्काउंट 120, डिस्काउंट डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, लेकिन हमने पहले भी जाना कि बिना किसी जानकारी के अभाव में हम ये मानते हैं कि डिस्काउंट पेड है और उसको हम डेबिट में लिखते हैं 120 डेबिट साइड में। गाड़ी भाड़ा यानी फ्राइट चार्जेस दिया गया है 1,600, क्योंकि एक प्रकार का एक्सपेंस है और एक्सपेंस हमेशा डेबिट में आता है, इसलिए हम इसको डेबिट साइड में लिखेंगे 1,600। बिल्डिंग
क्योंकि एसेट्स है और एसेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, तो बिल्डिंग हम डेबिट साइड में लिखेंगे 20,000। परचेस, क्योंकि हम परचेस करेंगे, गुड्स हमारे पास आती है इसलिए हमेशा उसका डेबिट बैलेंस होता है, तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे 18,500। सेल्स दिया गया है 24,000। हम देखा सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, जब भी हम सेल करते हैं हमारे पास से गुड्स जाता है, इसलिए हम सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे 24,000। इंटरेस्ट स्पष्ट रूप से दिया गया है क्रेडिट है, तो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे 600। डेटर्स, क्योंकि हमारे एसेट्स हैं और एसेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, तो हम एसेट साइड में लिखेंगे 6,500। फर्नीचर दिया गया है 1,100 का, और फर्नीचर हमारे लिए एसेट्स है, एसेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे 1,100। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी दी गई है 160 की, ये एक प्रकार का एक्सपेंस है और एक्सपेंस का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, तो डेबिट साइड में हम लिखेंगे 160। ड्रॉइंग अकाउंट्स दिया गया है 280, डेबिट में लिखेंगे हम 280 रुपीज। रेंट दिया गया है, ये एक प्रकार का एक्सपेंस है और क्योंकि एक्सपेंस का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे 240। सैलरी दी गई है 1,600 और सैलरी एक्सपेंस एक प्रकार का, एक्सपेंस का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे 1,600। बिल्स रिसीवेबल एसेट्स है हमारा और एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे 3,400 बिल्स रिसीवेबल। क्रेडिटर लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए हम क्रेडिट में लिखेंगे क्रेडिटर्स 5,400। अब हम इस ट्रायल बैलेंस का टोटल करते हैं, तो हम देखते हैं कि डेबिट साइड का टोटल हमारा आता है 60,000 और क्रेडिट साइड का भी टोटल हमारा 60,000 आता है। निम्न शेष से 31 मार्च 2011 को तलपट बनाइए। कैपिटल फंड 10,000, बिल्डिंग 12,900, फर्नीचर 2,500, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 4,000, वेजेस 800, सैलरी 1,200, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स 1,500, सन्ड्री एक्सपेंसेस 700, कैश इन हैंड 700, कैश एट बैंक 15,300, सब्सक्रिप्शन 13,000, ग्रांट्स फ्रॉम गवर्नमेंट 6,500, एंट्रेंस फीस 1,100, डोनेशन 9,000। इस प्रश्न को देखने से ये पता चल रहा है कि ये किसी गैर व्यापारिक फर्म के इनकम एंड एक्सपेंसेस दी गई हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य लाभ प्राप्त करना नहीं होता है, बल्कि किसी न किसी समाज सेवा के दृष्टिकोण से जब कोई संस्था स्थापित की जाती है तो इस तरह के इनकम एंड एक्सपेंसेस उसमें होते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए हमको इसका तलपट तैयार करना है। यहाँ पर हम अपना तलपट का फॉर्मेट बना लेंगे, जिसमें फर्स्ट कॉलम में हम पर्टिकुलर लिखेंगे और देन सेकंड कॉलम में डेबिट अमाउंट और थर्ड कॉलम में क्रेडिट अमाउंट लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट दिया गया है कैपिटल फंड, अभी एक प्रकार का फंड है, रिजर्व है, लायबिलिटी मानते हुए हम इसको अपने ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में लिखेंगे। कैपिटल फंड क्रेडिट साइड में 10,000। बिल्डिंग दी गई है 12,900 के, बिल्डिंग एक प्रकार के फिक्स एसेट्स है और एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, तो हम 12,900 बिल्डिंग डेबिट साइड में लिखेंगे। फर्नीचर दिया गया है 2,500 का, फर्नीचर का डेबिट बैलेंस होता है, तो इसको हम डेबिट साइड में लिखेंगे 2,500, क्योंकि एक फिक्स एसेट्स है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदा गया है, अब अगर स्पोर्ट्स के लिए कुछ इक्विपमेंट खरीदे गए हैं तो ये जाहिर सी बात है कि एसेट्स के अंतर्गत ही ये आएंगे, क्योंकि किसी प्रकार के क्रय विक्रय या व्यापारिक संस्थान जैसी कोई जानकारी यहाँ पर नहीं दी गई है, तो हम इसको एसेट्स मानते हुए डेबिट साइड में लिखेंगे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स 4,000 डेबिट में। वेजेस दिया गया है 800, वेजेस है एक प्रकार का एक्सपेंस और एक्सपेंस मानते हुए हम इसको डेबिट में लिखेंगे वेजेस 800। सैलरी दी गई है, सैलरी एक्सपेंस एक प्रकार की और एक्सपेंस हमेशा डेबिट में हम लिखते हैं, तो सैलरी हम डेबिट साइड में लिखेंगे 1,200। डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स दिया गया है 1,500, क्योंकि एसेट्स पे जब हम डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, ह्रास लगा रहे हैं, तो ये एक प्रकार की हानि है हमारे लिए और हानि जो होती है वो हमेशा हम डेबिट में लिखते हैं, तो इसको हम लिखेंगे डेबिट साइड में इसके अमाउंट को, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स 1,500 डेबिट में। सन्ड्री एक्सपेंसेस, क्योंकि स्पष्ट रूप से दे दिया गया है कि एक्सपेंसेस है और एक्सपेंसेस हम डेबिट में लिखते हैं, तो 700 हम लिखेंगे डेबिट में।
कैश इन हैंड दिया गया है 700, कैश है हमारी एसेट्स है, एसेट्स हम डेबिट में लिखते हैं इसलिए हम लिखेंगे डेबिट में कैश इन हैंड 700। कैश एट बैंक भी हमारे लिए एसेट्स है तो इसको भी हम डेबिट में लिखेंगे कैश एट बैंक 15,300। सब्सक्रिप्शन 13,000 का सब्सक्रिप्शन दिया है क्योंकि हमने देखा कि शायद ये एक गैर व्यापारिक संस्था का लेखा प्रतीत हो रहा है तो उसको ध्यान में रखते हुए हम ये मानेंगे कि सब्सक्रिप्शन हमको मिला हुआ है और ऐसा मानते हुए हम इसको क्रेडिट में लिख लेंगे सब्सक्रिप्शन 13,000। ग्रांट्स फ्रॉम गवर्नमेंट्स, सरकार से हमको अनुदान मिला है, प्राप्ति है एक प्रकार की 6,500, क्योंकि ये प्राप्ति है इसको इसलिए हम इसको क्रेडिट में लिखेंगे 6,500। एंट्रेंस फीस 1,100, एक प्रकार का ये प्रवेश शुल्क है और ये उन सदस्यों पर लगाया जाता है जो उस संस्था में, जिस गैर व्यापारिक संस्था की हम बात कर रहे हैं उसमें जो लोग प्रवेश लेते हैं, जो उसके सदस्य बनते हैं उनसे ये फीस ली जाती है। तो ये एक प्रकार की आय है उन गैर व्यापारिक संस्थाओं के लिए, तो उसके लिए 1100 जो फी है उसको हम इनकम मानते हुए इसको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे 1,100। डोनेशन भी इस तरह की जो संस्थाएं होती है, गैर व्यापारिक संस्थाएं, उनको प्राप्त होता है, किसी को देते नहीं, अधिकतर उनको इस तरह के डोनेशन प्राप्त होते हैं, तो इसको भी हम प्राप्ति यानी कि आय मानते हुए क्रेडिट में लिखेंगे 9,000। और अब हम जब इस ट्रायल बैलेंस का टोटल कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि इसका जो टोटल है वो है 39,600। निम्नलिखित शेष एक व्यापारी की बहियों से लिए गए हैं, आपको शेष परीक्षण तैयार करना है। कैपिटल 3,000, बिल्डिंग 2,400, सेल्स 10,500, परचेज 7,640, सेल्स रिटर्न 150, परचेज रिटर्न 70, कैरेज इनवर्ड 40, कैरेज आउटवर्ड 75, डिस्काउंट रिसीव 175, डिस्काउंट पे 240, कैश इन हैंड 742, इंश्योरेंस एंड टैक्स 135, रेंट रिसीव 110, जनरल एक्सपेंसेस 325, डेटर्स 1,512, क्रेडिटर्स 3,420, पर्सनल एक्सपेंसेस 300, बिल्स पेबल 100। इस क्वेश्चन में हमको ट्रायल बैलेंस तैयार करना है, इसके लिए हम अपने थ्री कॉलम का एक प्रारूप तैयार कर लेंगे जिसमें फर्स्ट कॉलम में हम पर्टिकुलर लिखेंगे, सेकंड कॉलम में डेबिट अमाउंट और थर्ड कॉलम में क्रेडिट अमाउंट लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट दिया गया है कैपिटल, क्योंकि एक प्रकार की लायबिलिटी है इसलिए हम इसको क्रेडिट में लिखेंगे कैपिटल 3,000। बिल्डिंग दी गई है, एक प्रकार के फिक्स एसेट्स है इसलिए हम इसको डेबिट में लिखेंगे बिल्डिंग 2,400। सेल्स दिया गया है, जब भी हम सेल करते हैं गुड्स हमारे पास से जाता है इसलिए क्रेडिट होगा, तो सेल को हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे 10,500। परचेस दिया गया है 7,640, जब भी हम परचेस करते हैं गुड्स हमारे पास आती है इसलिए हम इसको डेबिट में लिखते हैं 7,640। सेल्स रिटर्न दिया गया है 150, सेल्स रिटर्न की कंडीशन में गुड्स हमारे पास आता है इसलिए हम इसको डेबिट करते हैं सेल्स रिटर्न 150। परचेस रिटर्न दिया गया है 70 रुपीज, परचेस रिटर्न की कंडीशन में गुड्स हमारे पास से जाता है इसलिए हम इसको क्रेडिट करते हैं, तो परचेस रिटर्न हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे 70 रुपीज। कैरेज इनवर्ट दिया गया है 40 रुपीज, कैरेज इनवर्ट एक प्रकार का एक्सपेंस है, 40 रुपीज डेबिट में हम लिखेंगे। कैरेज आउटवर्ड दिया गया है, ये भी एक प्रकार का एक्सपेंस है, इसको भी हम डेबिट साइड में लिखेंगे। डिस्काउंट रिसीव, क्योंकि रिसीव हो रहा है हमको, प्राप्ति है हमारे लिए आय और प्राप्तियां सभी हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं हमारे हम क्योंकि हमको प्राप्त होती है, तो डिस्काउंट रिसीव हम लिखेंगे 175 क्रेडिट में। डिस्काउंट पे दिया हुआ है, यहाँ पर डिस्काउंट दिया गया है इसलिए ये एक्सपेंस है और एक्सपेंस मानते हुए इसको हमको ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में लिखना है, डिस्काउंट पेड 240। कैश इन हैंड 742, कैश इन हैंड एक प्रकार से एसेट्स है हमारे लिए, एसेट्स मानते हुए इसको हमको डेबिट साइड में लिखना है, तो एसेट्स में हम लिखेंगे कैश इन हैंड 742। इंश्योरेंस एंड टैक्स दिया गया है 135,
इंश्योरेंस एंड टैक्स हमारे लिए एक्सपेंसेस हैं, और इस एक्सपेंसेस जो होते हैं उनको हम डेबिट में लिखते हैं। तो डेबिट में हम लिखेंगे इंश्योरेंस एंड टैक्स 135, रेंट रिसीव दिया गया है 110, स्पष्ट रूप से दिया गया है कि रिसीव है, ये प्राप्त हो रहा है, तो क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे रेंट रिसीव 110। जनरल एक्सपेंसेस है 325, इन सारे एक्सपेंसेस को हम डेबिट साइड में लिखेंगे 325 जनरल एक्सपेंस। डेटर्स दिए गए हैं 3420, डेटर्स हैं हमारे एसेट्स हैं और एसेट्स का डेबिट बैलेंस लिखते हैं हम, तो डेबिट साइड में हम लिखेंगे डेटर्स 3420। क्रेडिटर दिया गया है, क्रेडिटर क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट साइड में हम इसको लिखेंगे 1512 को। पर्सनल एक्सपेंसेस दिए गए हैं, जिसको हम अभी तक हमने देखा कि ड्रॉइंग एज ए यूज कर रहे थे हम इसको, और डेबिट बैलेंस उसका होता है जब भी हम पर्सनल यूज के लिए विड्रॉल करते हैं, तो डेबिट साइड में हम लिखेंगे ड्रॉइंग्स 300। एंड बिल्स पेबल दिया गया है 100 का, ये एक प्रकार से लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे बिल्स पेबल 100। नीचे दिए गए तलपट के आधार पर सही तलपट तैयार कीजिए। बेचे गए माल की लागत कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट साइड में 15,000, अंतिम रहतिया क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट अमाउंट 4,000, देनदार डेटर्स क्रेडिट अमाउंट 6,000, लेनदार क्रेडिटर्स क्रेडिट अमाउंट 3,000, भवन बिल्डिंग डेबिट अमाउंट 5,000, प्रारंभिक रहतिया ओपनिंग स्टॉक डेबिट अमाउंट 6,000, ट्रेडिंग एक्सपेंसेस व्यापारिक व्यय क्रेडिट अमाउंट 2,000, सेल्स 20,000, कैपिटल 9,000, टोटल 35,000। ये दिया गया तलपट कुछ त्रुटिपूर्ण है, इसको हमको सुधार के एक सही तलपट तैयार करना है। यहाँ पर एक जो नया पॉइंट दिया गया है वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी बेचे गए माल की लागत। तो आइए हम इसके लिए एक नया तलपट सुधार कर तैयार करें, जिसमें हम तीन कॉलम रखेंगे, फर्स्ट पर्टिकुलर, सेकेंड डेबिट अमाउंट और थर्ड क्रेडिट अमाउंट। फर्स्ट पॉइंट दिया गया है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और क्योंकि एक लागत है इसलिए डेबिट में आएगा, बेचे गए माल की लागत है, तो 15,000 डेबिट में लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है, क्लोजिंग स्टॉक क्योंकि एक प्रकार से हम ये मान लेते हैं कि एसेट्स है हमारे पास रखा हुआ है, तो इसका डेबिट बैलेंस होगा 4,000, डेबिट साइड में आएगा ये। डेटर्स जो है वो एसेट्स होते हैं हमारे लिए, तो ये क्रेडिट ना होके डेबिट हो जाएगा, तो इसको हम डेबिट साइड में लिख देंगे 6,000। क्रेडिटर दिया हुआ है, तो क्रेडिटर हमारे लिए लायबिलिटी है इसलिए इसको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे 3,000। बिल्डिंग 5,000, क्योंकि बिल्डिंग हमारे लिए एसेट्स है और डेबिट बैलेंस होता है एसेट्स का, तो हम डेबिट साइड में उसको लिखेंगे, जो कि इसमें सही दिया गया है। ओपनिंग स्टॉक के लिए हमको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि क्योंकि प्रश्न में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दी गई है, बेचे गए माल की लागत दी गई है, तो ऐसे कंडीशन में हम ओपनिंग स्टॉक को यहाँ पर नहीं लिखेंगे, जबकि हम क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ डेबिट में ऑलरेडी लिख चुके हैं। इस बात का हमको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की कैलकुलेशन में ऑलरेडी ओपनिंग स्टॉक को हम इंक्लूड कर चुके हैं। ट्रेडिंग एक्सपेंस दिया गया है, ट्रेडिंग एक्सपेंस क्रेडिट में लिखा है, जबकि वो एक प्रकार का एक्सपेंस है तो डेबिट होना चाहिए, तो उसको हम डेबिट साइड में लिखेंगे ट्रेडिंग एक्सपेंस 2,000। सेल्स दिया गया है 20,000, ये सही एंट्री की गई है क्योंकि सेल है ये, इस कंडीशन में गुड्स जाएगा हमारे पास से तो क्रेडिट में होता है। और कैपिटल जो है 9,000, ये गलत एंट्री है क्योंकि कैपिटल एक प्रकार का क्योंकि कैपिटल एक प्रकार की लायबिलिटी है हमारे लिए, तो इसका क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए, तो इसको हम सुधार कर 9,000 को क्रेडिट में लिख देंगे। और अब जब हम इस बैलेंस शीट का टोटल करेंगे तो हम देखते हैं कि 32,000 से ट्रायल बैलेंस डेबिट और क्रेडिट को टैली कर रहे हैं। निम्नलिखित शेष के आधार पर तलपट तैयार कीजिए एवं पूंजी की राशि ज्ञात कीजिए। कैश 10,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000, टूल्स 5,000, लोन टू राम 30,000, आउटस्टैंडिंग फ्रॉम मोहन 20,000, ड्रॉइंग्स कैश रुपीज 1,000 एंड गुड्स रुपीज 2,000, हरी इज अ क्रेडिटर ऑफ रुपीज 15,000, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1500।
इस क्वेश्चन में एक हमको नया कार्य ये करना है कि कैपिटल कैलकुलेट करनी है, यानी कि ट्रायल बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट का जो बैलेंस है वो क्रेडिट साइड में आएगा और वही हमारी कैपिटल होगी। तो बहुत सावधानी से इसको हमको बैलेंस करना है, सारी चीजों की एंट्री करनी है, क्योंकि जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो एक हमारा आधार ये हो जाता है कि दोनों साइड का अगर टैली हो रहा है तो हम ये मान लेते हैं कि हमने सारी एंट्री सही की है। लेकिन कहीं कई बार ऐसा होता है कि हमारा दोनों साइड का जो बैलेंस है वो टैली तो होता है लेकिन कहीं ना कहीं ट्रायल बैलेंस में मिस्टेक होती है। फिलहाल हमको बैलेंस को ये मान लेना है कि वो कैपिटल है और इस बेस पे हमको यहाँ पर सारी एंट्रीज करनी है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो दिया गया है वो है कैश 10,000। कैश 10,000 है, इसकी एंट्री हम करेंगे डेबिट साइड में क्योंकि ये कैश है, एसेट्स है। बैंक ओवरड्राफ्ट दिया गया है 20,000 का, ये लायबिलिटी है। मैंने पहले भी बताया था कि लायबिलिटी हम मानते हैं बैंक ओडी, यानी कि एक्सेस अमाउंट हमने विड्रॉल कर ली है तो ये लायबिलिटी है, इसलिए क्रेडिट में आएगा 20,000 बैंक ओवरड्राफ्ट। टूल्स है, इक्विपमेंट है, ये इसको हम एक तरह से एसेट्स मान सकते हैं अपना, तो एसेट्स मानते हुए हमको इसको डेबिट साइड में लिखना है टूल्स 5,000। हमने लोन टू राम, यानी कि राम को हमने लोन दिया है तो ये एक प्रकार से एसेट्स है हमारे लिए, फ्यूचर में वो लोन हमको हम उससे लेंगे, राम से वापस लेंगे, तो ये एक प्रकार से राम जो है वो डेटर्स है हमारा, और डेटर्स मानते हुए इस 30,000 के अमाउंट को हमको डेबिट साइड में लिखना है, लोन टू राम 30,000 डेबिट में। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग फ्रॉम मोहन, मोहन से हमको लेना है, रिसीव करना है, तो ये एक प्रकार से हमारे लिए ये भी एसेट्स है कि फ्यूचर में हमको उसको मिलेगी वो मिलेगा वो पैसा हमको, तो इसको हमको एसेट्स में लिखना है, रिसीव फ्रॉम आउटस्टैंडिंग फ्रॉम मोहन 20,000 और डेबिट में लिखना है। ड्रॉइंग्स दिया गया है यहाँ पर 1,000 और 2,000, 1,000 कैश है और 2,000 गुड्स है, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में ये विड्रॉल है और डेबिट बैलेंस होता है तो इसको हम डेबिट में लिखेंगे ड्रॉइंग्स, और इनर कॉलम में हम इसको कैश 1,000 गुड्स 2,000 लिखते हुए आउटर कॉलम में अमाउंट पे डेबिट साइड में हम 3,000 लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया हरी इज अ क्रेडिटर ऑफ रुपीज 15,000, हमको देना है हरी को, अब वो हमारे लिए एक प्रकार से क्रेडिटर बन गया है तो ये हमारे लिए एक तरह से लायबिलिटी हो गई, और लायबिलिटी मानते हुए इसका हमको क्रेडिट साइड में इसकी एंट्री हमको करनी है, क्रेडिटर लिखकर हम 15,000 को क्रेडिट में लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इंटरेस्ट हमको उस पर रिसीव होता है तो रिसीव मानते हुए इसको हमको क्रेडिट में लिखना है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1,500 और क्रेडिट साइड में हम इसकी एंट्री करेंगे 1,500 से। अब जब हम टोटल कर रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि डेबिट साइड का हमारा जो टोटल है वो आ रहा है 68,000 और लेकिन क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो आ रहा है 36,500 ओनली। इस कंडीशन में जब हम डेबिट साइड के टोटल से क्रेडिट को माइनस करेंगे तो हमारा बैलेंस आएगा 31,500 और इसी बैलेंस को हम मान लेंगे कि एक कैपिटल के अमाउंट है, तो कैपिटल के अमाउंट हमने कैलकुलेट कर ली 31,500 और अब बैलेंस शीट क्रेडिट में भी हम टोटल लिख देंगे 68,000 और क्लोज कर देंगे। निम्नलिखित सूचनाओं से 31 दिसंबर 2006 को तलपट तैयार कीजिए। कैपिटल 50,000, डेटर्स 60,000, क्रेडिटर्स 19,000, डिस्काउंट पेड 300, सेल्स रिटर्न 3,000, परचेस रिटर्न 1,000, ड्रॉइंग 6,200, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 4,100, सैलरी 12,400, सेल्स 1,30,000, परचेस 80,000, फर्नीचर 5,000, ओपनिंग स्टॉक 30,000, क्लोजिंग स्टॉक 15,000, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1,000। इस क्वेश्चन में हमको ट्रायल बैलेंस तैयार करना है, थ्री कॉलम का हम एक ट्रायल बैलेंस तैयार कर लेंगे जिसमें फर्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे पर्टिकुलर, सेकंड कॉलम में हम डेबिट अमाउंट लिखेंगे और थर्ड कॉलम में हम क्रेडिट अमाउंट लिखेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं कैपिटल दिया हुआ है, कैपिटल एक प्रकार से लायबिलिटी है और लायबिलिटी मानते हुए हम इसको क्रेडिट में लिखेंगे 50,000। डेटर्स दिया गया है 60,000 का, डेटर्स एसेट्स है हमारे लिए और एसेट्स है इसलिए हम इसको डेबिट साइड में लिखेंगे 60,000। क्रेडिटर्स दिए गए हैं 19,000 के, क्रेडिटर्स है, लायबिलिटी है हमारे लिए इसलिए हम इसको क्रेडिट में लिखेंगे 19,000 क्रेडिटर्स।
डिस्काउंट पेड, क्योंकि स्पष्ट रूप से दिया गया है कि डिस्काउंट हमने दिया है, डिस्काउंट पे है, तो क्योंकि हम पे कर रहे हैं, एक्सपेंस है हमारे लिए, डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए हम इसको डेबिट साइड में लिखेंगे, डिस्काउंट पे 300। सेल्स रिटर्न, जब भी सेल्स रिटर्न होगा उस कंडीशन में हमारे पास गुड्स आएगा, और गुड्स आएगा इसलिए हम इसको डेबिट में लिखेंगे, तो 3000 रुपीज हम लिखेंगे डेबिट साइड में सेल्स रिटर्न। परचेस रिटर्न 1000 दिया गया है। जब भी हम परचेस रिटर्न करते हैं तो इस कंडीशन में हमारे पास जो गुड्स होता है वो जाता है, इसलिए हम इसको क्रेडिट करते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे परचेस रिटर्न 1000 और इसको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ड्रॉइंग दिया गया है 6200, तो क्योंकि ड्रॉइंग है डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट साइड में हम लिखेंगे 6200। एडवर्टाइजमेंट दिया गया है 4100, और एडवर्टाइजमेंट एक प्रकार से खर्च है हमारे लिए, एडवर्टाइजमेंट पे हम एक्सपेंस करते हैं, इसलिए हम इसको डेबिट में लिखेंगे, तो डेबिट साइड में आ जाएगा एडवर्टाइजमेंट 4100। सैलरी दी गई है 12400, सैलरी एक्सपेंस है एक प्रकार का, तो डेबिट साइड में हम लिखेंगे सैलरी 12400। सेल्स दिया गया है 1,30,000, सेल जब भी हम करेंगे गुड्स हमारे पास से जाती है, इसलिए हम उसको क्रेडिट में लिखते हैं, सेल 1,30,000 क्रेडिट में। परचेस दिया गया है 80,000 का, जब भी हम परचेस करते हैं गुड्स हमारे पास आता है, इसलिए हम उसको डेबिट में लिखते हैं, तो परचेस हम लिखेंगे 80,000 डेबिट। फर्नीचर दिया गया है 5,000, फर्नीचर एक प्रकार से एसेट्स है हमारे लिए, और एसेट्स को हम डेबिट में लिखते हैं, इसलिए फर्नीचर हम लिखेंगे डेबिट साइड में 5,000। ओपनिंग स्टॉक दिया गया है 30,000 का, एसेट्स है हमारे लिए, डेबिट साइड में हम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक 30,000। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिया गया है 1,000 का, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये रिसीव हो रहा है हमको इन्वेस्टमेंट पे, तो इसको हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में, और ये टोटल हो जाएगा हमारा 2,01,000।